as per. This conference will now be recorded. As per monthly chart, even weekly chart, monthly chart and weekly chart, everything is bullish. So expected to meet higher target with support of somewhere here. That comes to be 11,000. Yes, mid average of daily will be the support level, best support level. 11,100 or 11,200 will be the best support level. Mid average of daily chart, mid average of daily chart, the best support level. But you have to buy it. The market is buy on decline. Now it's because yearly, if you see the yearly and monthly started going bullish. So it will remain bullish. So small correction as per daily chart may come, but major support is this. Major support is mid average of daily charts. So we have to select the stocks having whose major support is mid average of daily chart. So we'll take the support stocks. मार्केट में शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ईयरली के शॉर्ट एवरेज पे आए हैं, वो सब बाय होने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशंस इसमें ज़्यादा जाएगा, लेकिन बाइंग तो उसमें अपॉर्चुनिटी बनती है। ईयरली के शॉर्ट एवरेज पे ट्रेड हो रहे हैं, जितने भी स्टॉक ईयरली के शॉर्ट एवरेज के पास है या शॉर्ट एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहे हैं, तो सब हम बाय कर सकते हैं। मतलब ये स्ट्रेटेजी हमें अभी यूज करनी है। तो निफ्टी में निफ्टी सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, बुलिश है, तो बुलिश इट इज बुलिश और मार्केट लाइक बाय ऑन डिक्लाइन है, मार्केट बाय ऑन डिक्लाइन है। आप देखेंगे तो वैसे समझ में आ जाएगा। हमें दो तरीके के स्टॉक्स हम ढूंढ सकते हैं, एक तो जो ईयरली में एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है, शॉर्ट एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है और मंथली में पूरा बुल बना है, ये कंडीशन में मंथली में फुल बुल नहीं है अभी तक, तो जिसमें फुल बुल बना है मंथली में, वो स्टॉक हम बाय करने के लिए जा सकते हैं। तो उसमें से आता है सिप्ला। ईयरली में प्राइस शॉर्ट एवरेज के आजू बाजू में है, ईयरली में प्राइस शॉर्ट एवरेज के आजू बाजू में है, और मंथली में देखते हैं तो RSI, MACD सब बुलिश है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका करेक्शन जो हो जाएगा वो यहाँ तक किधर तो आ जाएगा, 1620 बेस्ट बाय लगता है। ऐसे स्टॉक्स हमें ढूंढने पड़ेंगे, तो वो एक तरीके का स्टॉक हम ढूंढ सकते हैं। मंथली ईयरली में प्राइस शॉर्ट एवरेज के आजू बाजू में और मंथली में बुलिशनेस लगा है, तो ऐसे स्टॉक्स हम बाय करने के लिए ले सकते हैं। ये एक तरीके के स्टॉक्स, मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वो, एक्सिस बैंक भी है और एक है कावेरी सीड, ये है। तो ऐसे ढूंढने पड़ेंगे स्टॉक्स जो ईयरली में प्राइस शॉर्ट एवरेज के आजू बाजू में है, प्राइस जो है शॉर्ट एवरेज के आजू बाजू में, शॉर्ट एवरेज इधर है, प्राइस नजदीक है, और मंथली में मंथली के चार्ट में बुलिशनेस लगा है, प्राइस शॉर्ट एवरेज के आजू बाजू में आ जाएगी तो बाय हो जाएगा। ये 580 के सपोर्ट लेके बाय है, तो ये वैसे स्टॉक्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दो एग्जांपल आपको बताया,
आपको ढूंढने हैं बहुत सारे स्टॉक्स, और कोई है क्या देखते हैं। ये तरीके के स्टॉक्स में ढूंढेंगे ईयरली में, ईयरली मतलब बाय वाले स्टॉक्स में आते हैं। बाय में पहले स्टॉक्स आ जाएंगे ट्रेंडिंग वाले, इसमें ईयरली प्लस मंथली लेना पड़ेगा, बुलिश वाले स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। वो स्टॉक्स हम ऐसे लिस्ट बना के बाय अराउंड अराउंड शॉर्ट एवरेज ऑफ मंथली, मतलब अप्रॉक्सीमेट शॉर्ट एवरेज मतलब सेंटर पॉइंट लेके बाय करना चाहिए, वो स्टॉक्स हो जाएंगे। ये देखो सिप्ला भी है, तो एक तरीके के स्टॉक्स मिल गए जो बाइंग में जा सकते हैं। ये है डीवी स्लैब है, ऐसे कंडीशन में डीवी स्लैब भी है। यहाँ पे ऐसे गैप बना हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे गैप बना हुआ है, ईयरली चार्ट में गैप बना हुआ है और मंथली में आर एस आई नीचे गया है, मंथली के चार्ट में आर एस आई नीचे गया। ये स्टॉक बाय में नहीं आना चाहिए, ये स्टॉक नॉट टू बाय, मतलब ये स्टॉक ऐसे कंडीशन वाले स्टॉक भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ईयरली में गैप फॉर्मेशन भी है और मंथली में आर एस आई और एम एस डी भी देखेंगे तो नीचे है, और वो स्टॉक कभी भी उल्टा नीचे आ सकते हैं। हमें ऐसे स्टॉक अभी के लेवल पे बाइंग नहीं लेनी चाहिए, तो ये स्टॉक अवॉइड करने चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस को शॉर्ट एवरेज के टच करके जा रहा है वो चलेगा, इधर भी ईयरली के चार्ट में भी प्राइस शॉर्ट एवरेज को टच करके जा रहा है, इधर भी टच करके जा रहा है मंथली के चार्ट में, तो वो चल सकते हैं, वैसे बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गैप फॉर्मेशन बना है, ईयरली के चार्ट में गैप फॉर्मेशन बना है, गैप छोड़ के गया है, पहले वाला स्टॉक था गैप छोड़ के गैप, ये गैप इतना बड़ा गैप छोड़ के गया है स्टॉक, इतना बड़ा गैप है, ये बड़ा गैप छोड़ के गया है और मंथली भी सेल में आ गया है, तो ये स्टॉक नहीं बाय मिल जाएगा, तो वो अवॉइड करना चाहिए। ये एक तरीके के स्टॉक्स हैं, सस्टेन पैटर्न वाला रहेगा, मंथली का सस्टेन पैटर्न वाला स्टॉक रहेगा तो पहले बाय होना चाहिए। मंथली में सस्टेन पैटर्न वाला कोई स्टॉक रहेगा तो पहले बाय होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक भी आ रहा है इसमें से, अभी ऐसे कंडीशन में कौन से आ रहे हैं, मतलब KSCL आ रहा है, सिप्ला आ रहा है, एक्सिस आ रहा है और आईसीआईसीआई बैंक आ रहा है और SBI भी है, तो सबसे देखेंगे तो ICICI बैंक बेस्ट में बाय में जा रहा है क्वार्टरली के हिसाब से और मंथली के हिसाब से, तो हमें ये स्टॉक्स पर ध्यान रखना है, ये अगली वे नजदीक है। ये पहले तो ये स्टॉक देखने चाहिए, इंडियन बैंक भी है इधर, एडवांस के क्लास में एक्सप्लेन किया था कभी, ये बाय ये स्टॉक्स हम देखे थे। इंफीबी बाय में है, ITC बाय में है, तो ऐसे स्टॉक्स हम देख सकते हैं। कावे रिसीड है, ये है L&T फाइनेंस, कंडीशन है स्टॉक्स।
ऐसे स्टॉक हम देख सकते हैं। दूसरे स्टॉक जिनको बाय करना है मतलब ये हुआ मोमेंटम वाले स्टॉक रहेंगे, और दूसरे बाय डीप में बाय करना चाहते हैं, बाय ऑन डिक्लाइन मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट इसके दो तरीके हैं। इसमें ईयरली प्राइस नियर ईयरली शॉर्ट एवरेज, एंड प्लस डेली बुलिश, डेली बुलिश हो गया। वैसे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल है इसमें आ जाता है टीवीएस मोटर, ये आ जाता है टीवीएस मोटर, ईयरली के शॉर्ट एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, मंथली का मिड एवरेज आ गया है, ईयरली के शॉर्ट एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है, मंथली में मिड एवरेज आ गया है और डेली में बाय लगा है, तो ये कंडीशन वाला स्टॉक है, तो ये टीवीएस मोटर है। दूसरा देख सकते हैं ईयरली के शॉर्ट एवरेज पे आना जरूरी है, साउथ इंडियन बैंक है, ईयरली के शॉर्ट एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो ये है बाय साउथ इंडियन बैंक, ये वाला स्टॉक्स, ये सब स्टॉक देखने के लिए। और बी में जाता है जिसमें इटे हुए स्टॉक्स हैं, उसमें मंथली आर एस आई सस्टेन अबाउट सिग्नल लाइन हो जाता है, तो ऐसे में आ जाता है म्यांमार फार्मा, ट्रेड हो रहे हैं मंथली का आरएस से ऊपर आने लगा है, स्लोली 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 ऊपर जाएगा। सन फार्मा टूटे हुए हैं स्टॉक, मंथली का आरएस से सिग्नल लाइन के, मंथली में आरएस से सिग्नल लाइन के नीचे ऊपर सस्टेन होने लगा है, बुलिश पकड़ रहा है, दो एक बॉटम सेकंड बॉटम डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, तो वैसे स्टॉक हमें बाय करने चाहिए। अब इसमें सन फार्मा आ जाता है, सन फार्मा मतलब दुखी है, ग्लेनमार्क है, ये सब स्टॉक्स आ जाएंगे, लेकिन मंथली कार्य से सस्टेन रहेगा ऐसे स्टॉक्स। एस्कॉट को भी बाय नहीं करना चाहिए, और एक है चोला, ये दो स्टॉक बाय नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो गैप फॉर्मेशन में है, ईयरली में गैप फॉर्मेशन है और मंथली में आर एस आई नीचे है, क्लोज भी नीचे है, तो वो इसी स्टॉक तुरंत ऊपर नहीं जाएंगे, तो ऐसे स्टॉक से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये दो ट्रेड स्ट्रेटेजी ये मार्केट में अभी चलेगी। सर एक एस आर एफ देखिए ना जरा, एस आर भी डिक्लाइन पे बाय है, शॉर्ट एवरेज के पास आ गया ना, मोमेंटम में बाय नहीं लेकिन बाय है। ओके सर, और 165 यूरो पे बाय है अब, और 1650 के रिट्रेसमेंट आ जाएगा तो बाय है,
रिट्रेसमेंट आएगा नहीं अभी नहीं बता सकते, लेकिन बाय है 1650, अभी आ सकता भी है, नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट बाय तो 1650 है। और सर सिंफो